नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। आईएसएल सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और यहां पर सेमीफाइनल नंबर टू शुरू हो रहा है, लेग वन। जी हाँ, सेमीफाइनल में दो टुकड़े में होता है हर मैच, पहला लेग दूसरा लेग, दोनों मिलाकर जिसका गोल डिफरेंस ज्यादा होता है वो टीम जीतती है। आज हमारा अपोनेंट बना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मतलब कि हम बने हैं एटी के मोहन बगान। टाइम फॉर सम किक ऑफ। Good evening to you wherever you are in the world. तो यहाँ पर आते हुआ हमारा मैच की होने वाली शुरुआत। स्टेडियम थोड़ा सा अलग है रियल लाइफ से, अभी के लिए हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में गए। रियल में जीएमसी में होने वाला है, टीमें तैयार यहाँ पे। दोनों टीमें, ये देखिए रेफरी हमारे, इसमें भी चीटिंग करते हैं रेफरी भाई। हर जगह रेफरी एम्पायर हर जगह बिक चुके हैं, मुझे तो लगता है कहीं, मतलब गेम में, रियल में नहीं कह रहा, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए फैंस भाई, फुल ऑन सपोर्ट। मोहन बगान एक ऐसी टीम है ना भाई, जिसको मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता होगा। ईस्ट बंगाल में हो गई, जिसमें बहुत बड़ा मतलब इतिहास है, पुरानी टीमों में से गिनी जाती है इंडियन हिस्ट्री में फुटबॉल में। ये टीम जो है वो काफी हद तक रैंडम है, तो इसका भी बहुत ज्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है मैच में। 4-2-3-1 के फॉर्मेशन से उतरा है नॉर्थ ईस्ट, और देखें अगर हम लोग, हमारी टीम एटी के मोहन बगान, वो उतरी है 3-3-4 अटैकिंग फॉर्म में। हम लोगों ने इसको सेट किया है, अगर आप नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो जज कर पाएंगे। इसमें थोड़ा अटैकर जो है वो ज्यादा, थोड़ा मिडफील्डर सब थोड़ा सा हमारे गोल की साइड खड़े रहते हैं, सिंपल शब्दों में कहें। चलिए अभी मैच को जीतना है, हमारे हाथ में अभी नहीं होगा फुटबॉल, हमारे पैर में नहीं होगा फुटबॉल, चुराना होगा हमको। करेंगे बढ़िया डिफेंड, अभी के लिए हम लोग डिफेंसिव मोड में। चलिए भाई, अरे रे रे संभल कर भैया, अरे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए भैया, इतना आगे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। ये बेहतर है, पास करो बढ़िया तरीके से, इनको बीट करो। अरे रे रे रे, चलो कोई नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है पता है, जब आप एकदम परफेक्ट पास दे रहे हो और ये गेम नाटक कर दे। ये बेहतर ओपन है, सही है। मैं अभी हाल फिलहाल देख तो रहा हूँ, लेफ्ट राइट गैप तो है, बढ़िया पास हो जाए तो काम आसान हो जाए। ये खेला हमने, गोल गेंद पहुंची नहीं, अरे यार फिर से चली गई मिडफील्ड में, आराम से आराम से। अरे यार ये बीच में कहां से आ गए, दो निकाल लेंगे। अरे पीछे ढकेल दिया कीपर के पास, गोल कीपर के पास गई गेंद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट दो गोल यहाँ पे करूँ कम से कम, मतलब मिनिमम मैक्सिमम। वाह बढ़िया 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 बढ़िया, ओ यार बढ़िया सही, अभी भी गेंद है, फुटबॉल हमारे हाथ में। ये अरे इधर कहाँ दे रहा है पास, अरे रे गवा दिए भैया। ऊपर की तरफ नहीं दे रहा था पास, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले को दे रहा था पास। ये गेम ने अपने ही लॉजिक से राइट साइड वाले को दे दिया पास। ये ओपन है, फिर अटैक नहीं कर पाए, फिर किक नहीं कर पाए हम लोग। चलो 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 गाइस, तुम्हें पहले तो गेंद निकालो हाथ पैर से, तो आदत होगी क्रिकेट खेल खेल के, उसमें हाथों से होता है, इसमें पैरों से होता है अभी तो। अरे फिर गलती की, दोनों गिरे जरूर, रेफरी के कोई इशारा नहीं किया, क्या है। चलो भाई जाके खेलो चुपचाप फुटबॉल, सही है। अरे यार पता था नहीं कर पाएगा पास, होगा अनएक्सपेक्टेडली उस हिस्से में फेंकी थी गेंद। कहां से फाउल है यार, हम तो नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। ऑफसाइड का जो है ना, ऑफसाइड का जो डिसीजन है वो, और थोड़ा सा ये फाउल वाला डिसीजन कई बार समझ नहीं आता मुझे। चलो ठीक है, अब दिया है फाउल तो ठीक है। पोजीशन में, क्योंकि अगर गई अंदर गेंद तो फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब गोल पोजीशन के अंदर गई अगर तो फिर तो। अरे फिर देखो, मैं बाहर की तरफ पास दे रहा था, अब जाना बाहर की तरफ, अब फिर अंदर दे रहा है ये, ठीक है। चल 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 कोई बात नहीं, बढ़िया 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 बढ़िया, आप दे अंदर की तरफ, सही है ये भी, थोड़ा दूर वाले को देना। अरे फिर से मिस किया, अटैक करना था क्या, किक करना था क्या, जो भी था आप नहीं कर सकते। अब फिर से आपको गेंद छीननी होगी, फिर से अटैकिंग फील्ड में जाना होगा, फिर जाके कमाल करना होगा यहाँ। अरे यार गया 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 गया, ओए यार पहला हाफ पूरा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 0 एटी के मोहन बगान 0। दोनों टीमों ने अभी तक कोई गोल किया नहीं है, पहला हाफ यहाँ पर समाप्त होता है, देखते हैं सेकंड हाफ में होता है कि हम जाएंगे एक्स्ट्रा हाफ में। फुटबॉल है हमारे पास, करना चाहेंगे एक आध गोल, लेकिन ये भाई साहब जो डिफेंडर हैं सामने वाली टीम के, वो इतनी आसानी से आपको करने देंगे नहीं, और सही भी है, इतनी आसानी से करने देंगे तो फिर मतलब क्या। हमारे अटैकिंग एरिया में, मतलब हमने
गेम प्रॉपर डिफेंड नहीं किया और ये गोल करने का बढ़िया मौका बचा लिया कीपर। ये गोल था। मतलब फुटबॉल तो गोल है, लेकिन ये गोल हमारे हिस्से में से हो जाता जो हम किसी हाल में नहीं चाहेंगे। अरे इनका काफी बढ़िया है मिडफील्ड भी। अरे कहाँ ले ली गई फुटबॉल, चलो फाउल तो दे दो, हमको धक्का दे तो चलता है, हम धक्का दे तो नहीं चलता। ये तो भाई गलत है। गेम निकालने की कोशिश जारी है, फुटबॉल निकालने की कोशिश जारी है। इस बार मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट अच्छा खेल रही है मेरे से। ये भी काफी बड़ी टीम है, सेमीफाइनल में पहुंची है तो भाई हर टीम बड़ी हो जाती है। तो खींच भाई खींच, मार मार उसको, गिरा गिरा ना, गिरा रही है। देखो ये क्या फाउल था भाई, मजाक चल रहा है, देखो वार्निंग दे रहा है। अरे पर मैंने तो उसको खाली अपनी गेंद दे रहा हूँ यार, वो एक्टिंग कर रहा है तो मैं क्या करूँ। गलत है। देखो देखो जरा क्या इतना गलत हो गया इनको, क्या यार ये तो दोनों फुटबॉलर्स एक दूसरे के साथ गेंद लेने के लिए लड़ नहीं रहे, मतलब खेल रहे हैं यार, ये तो इतना तो होगा ही। वो देखो हमारा फील्डर भी बोल रहा है कि आंखों से ही देख रहा है, कहीं और से देख रहा है कि ये रेफरी अब है, फ्री किक का चांस है यहाँ पे, आराम से कर सकता है, इससे पहले कर चुका है हमारा एआई गोल। नहीं इस बार अटैक नहीं किया इसने, अरे गलती कर दी, गया गोल की। चलो कम से कम ये चांस हमने इनको गोल में कन्वर्ट नहीं करने दिया। तैयार हम लोग, आराम से बढ़िया पास कर दो। यार तो कुछ कवर करने नहीं आया यहाँ पर, मैं किसको दूं पास बताऊं। अरे बच गया, ऑलमोस्ट बच गया, बढ़िया कीपिंग है, मानना पड़े नॉर्थ ईस्ट के कीपर को। ये पहला अटैक था मेरा गोल पे, हर बार मैं किक करने जाता था गेंद हर बार बच जाती थी, मतलब डिफेंड हो जाती थी गेंद, फिर बीच में आ गया। गिरा। आप देखो ये फाउल था, हाँ ठीक है, आप सही, अब पहली बार बंदे ने सही किया, क्योंकि ज्यादा गिरा दिया था, मैं ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। बस आगे बढ़ना है, बढ़िया। अरे बाप रे मिस कर गए, देखो बंदा इतना चालाक है, जब साइड में फेंक दिया, थ्रो इन करना होगा हमें। सब चीट्यूट आते हुए गलागो अल्फ्रेड, ये दो नए प्लेयर आते हुए और दो बाहर गए। असर पड़ेगा कि नहीं, अच्छा मेरे पास है कि, चलो अच्छी बात है। मेरे पास थी हो गई, अभी तो कर लेगा पास, 80 मिनट होने आए। देखो नाटक देख रहे हो उसका, ड्रॉ कराने के मूड में आज का मैच, मैं चाहता हूँ जीतना। हाँ बढ़िया, हो सकता है प्लीज एक गोल भी कर दो तो भी लीड तो रहेगी हमारे पास। नहीं, हाँ ये बेहतर है। अरे देखो, हाँ बढ़िया भाई, थैंक यू रेफरी, थोड़ा सा पहली बार पॉनिश बनने के लिए। फाउल था, मैं किक करने गया तो मेरा बॉडी साइज ने रोका था। अच्छा पैर हटाया नहीं बंदे ने, बहुत चालाक है। और देखा जाए तो यार अब कहाँ से हटा था, मैं डायरेक्ट कभी नहीं करता गोल, मुझे मालूम है कि वहां तक हो ही नहीं पाएगा, जज ही नहीं कर पाएंगे हम लोग प्रॉपर, तो बेहतर है कि हम पास करके करें। कम ऑन गाइस, हेडर रह गया, अभी भी हो सकता है। 87 मिनट हो चुके हैं, पहले गेंद लो यार इसके पास से, सबसे बड़ी बात, गया। अब तो भाई एक्स्ट्रा टाइम होगा नहीं ज्यादा, 3 मिनट है, हो सकता है गोल, अभी भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है खाली। अरे अब खत्म, 92 हो गया, अब तो मुश्किल है भैया, एम्पायर के डिसीजन का इंतजार हो रहा है, खत्म। लेकिन अभी हाफ टाइम जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो अब होंगे 15 मिनट के। स्कोर रहा है 0-0 नॉर्थ ईस्ट और एटीके मोहन बगान का, मेहनत बहुत की लेकिन गोल नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ एक्स्ट्रा हाफ, एक्स्ट्रा जो मिनट मिलते हैं उसका ये फर्स्ट हाफ है। बढ़िया अटैक करता हुआ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, बहुत बढ़िया खेला है आज के दिन, मतलब आपको लग जाता है जब आप, मैं खेलता हूँ ना तो आइडिया मिल जाता है कि कौन सी टीम बेहतर है, कितनी बार हम लोग गोल नहीं कर पा रहे। ये देखिए ओपन है लेकिन पहुंच नहीं पाए, उठा लिया यार गेंद, उठा लिया। 105 में, हाँ 105 में खत्म हो जाएगा, 98 हो चुका है ऑलरेडी। ये कहाँ थ्रो दे रहा है इनका कीपर, अबे यार जो भी दिया हमारा पास बेकार था, पहला हाफ तो बर्बाद। अरे बल्कि उनका फेवर में जाता हुआ, 101-102 मिनट गेंद लेने की कसमकश में दे दिया है हमने कॉर्नर, फायदा होगा इनको लगता है, मेरे से आगे दौड़ सकते हैं इनमें से कोई, मैं कवर तो कर ले रहा हूँ सारे प्लेयर्स को। आई मेरा कीपर बेस्ट है भाई, उनका भी कीपर आज बेस्ट रहा है। नहीं गेंद निकाल, पहले तो फुटबॉल निकाल,
गया भाई खत्म विसल बजी, विसल कोलू नहीं बजी, लेकिन 0-0 आखिरी 15 मिनट। क्या पहला सेमीफाइनल का सेमीफाइनल टू का जो है ये लेग वन वो ड्रॉ होगा पता लगेगा अभी थोड़ी देर में। हमारे पास है फुटबॉल, ये आखिरी 15 मिनट, अगर लीड लेना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हम लीड लेना चाहते ही हैं। हाँ गैप बढ़िया है, गैप बढ़िया है, वापस भेज रहा हूँ मैं इधर, थोड़ा आराम से खेल रहा हूँ, और ये मौका मेरे, अरे पीछे कहाँ फेंक दिया यार, किस लॉजिक से पीछे फेंका, सारा उनका डिफेंड यहाँ पर है, मुश्किल है बहुत डिफेंड करना, सारे वेट कर रहे हैं ना, अब सारे आ चुके हैं यहाँ पर, मैं चाहकर भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, अरे फिर रोक लिया उसने, तो सही है वो तो रोकेगा ही भाई, आप प्रॉपर पास नहीं करे, 120 पे रुक जाएगा आज का समय, ड्रॉ होने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को काफी, निकाल ले निकाल ले निकाल ले, बस ये आखिरी मौका है समझ लो, ये ए क्या कर रहा है, क्यों इसको फॉरवर्ड पास दे रहा है, दौड़ के करना पड़ा यार, आखिरी 2 मिनट और 0 मिलेगा मुझे लग नहीं रहा, हाँ आखिरी मौका, एक मौका और दो खत्म भाई, उनके पास है मौका, हमारे पास नहीं, और ये हो गई मैच समाप्त, विसल पोड़ू नहीं, अरे ये भी चालू है, 0 मिनट एक्स्ट्रा थे, पता नहीं कौन सा 0 मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं, 0-0 से सेमीफाइनल 2 लेग 1 होता हुआ ड्रॉ, रेफरी देखो कितना खुश है, लग रहा है इसी ने भाई लगता है लगाई थी गोली, सबसे ज्यादा कुछ ज्यादा ही खुश है भाई, इतना खुश मैंने नहीं देखा, ये दोनों भी खुश हैं लेकिन इतना नहीं खुश है, तो ये देखिए हमारा हाईलाइट प्ले होगा, इसको हम करेंगे अभी के लिए स्किप, निराश रहे यार नहीं मजा आई, और बेहतर हो सकता था, और बेहतर हो सकता था, 1-0 लास्ट टाइम हमने किया था सेमीफाइनल 1 के लेग 1 में, यहाँ पर 0-0 हो गया, अब दूसरा जो सेमीफाइनल होगा उसके अंदर अगर पहले में गोवा कर देता है एक भी गोल तो फिर तो जीत ही रहा है, नहीं भी करता ड्रॉ भी करता तो भी गोवा जीतेगा हमारे गेम प्ले के हिसाब से, और बाकी इसमें तो जो टीम गोल करेगी सेकंड लेग में वो जीतेगी, तो ये था हमारा सेमीफाइनल 2 लेग 1, मैं लेता हूँ विदा, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट प्यार हमारे चैनल वीडियोस पे देते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, सब्सक्राइब जरूर करना, अभी के लिए बाय।